हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप सभी का अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परकजिट्स के बारे में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पूरा कर लिया है हमने अलाउंसिस कवर कर लिए हैं आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली हैं जैसे अलाउंस एक एसएससी एक एम्प्लॉई की सैलरी की कैलकुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वैसे ही पर्कजिट्स भी सैलरी की कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो आइए हम देखते हैं पर्कजिट्स क्या होते हैं Perquisites are the benefits or amenities in cash or in kind, in money or money's worth, provided by employer to the employee, whether free of cost or at concessional rate. परकुज ऐसे बेनिफिट्स और एमिनिटीज़ हैं जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जो कि कैश में भी हो सकते हैं काइंड में भी हो सकते हैं कैश का मतलब है जो कि पैसों के फॉर्म में मनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ के रूप में होंगे जिसकी मनी के टर्म्स में हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे हैं या तो बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री या सस्ते दाम पर कंसेशनल रेट पर जो औरों के लिए रेट है उससे बहुत कम रेट पर इसकी अगर हम एक और टेक्निकल डेफिनेशन देखें इट मे बी डिफाइंड एज एनी कैजुअल एमेंट और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और टू अ पोजिशन इन एडिशन टू द सैलरी और वेजेस एक पोजिशन एक अहदा एक जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अपने जॉब में एक पोजिशन जो होती है उसका जो ऑफिस प्लेस है उसको उसका पोजीशन और ऑफिस दोनों यहाँ पे एज सनॉनिंग यूज़ किए गए हैं तो उसके लिए जो से सैलरी या वेजेस बनते हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको दिए जा रहे हैं या कैजुअली कुछ एमिलमेंट्स कुछ फ़ायदे दिए जा रहे हैं वो परकजिट्स कहलाते हैं परकजिट्स बेसिकली तीन कैटेगरी में कवर किए जाते हैं अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने वीडियो बिल्कुल थियोरिटिकल बनाई है हम परकजिट्स में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स पर जब नहीं कर सकते पहले आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं और यस जो टैक्स फ्री पर्कज हैं वो तो सिर्फ आपको नाम ही जाना है कि ये सभी के लिए टैक्स फ्री ही हैं तो वो आपको सिर्फ समझने हैं उसमें कोई कैलकुलेशन का पार्ट है ही नहीं तो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ तीन कैटेगरी ऑफ पर्कज कवर करने वाली हूँ वन कैटेगरी जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सीबल होते हैं सेकेंड कैटेगरी जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं एंड थर्ड कैटेगरी जो कि सभी के लिए टैक्स फ्री होते हैं तो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय बात आती है ऑल एम्प्लॉयज के बारे में ऐसे परक्विजिट्स जो सभी के लिए टैक्सेबल हैं सभी मतलब फॉर एवरी नंबर वन रेंट फ्री अकोमोडेशन आपके क्वेश्चन में दिए गए एसएससी को यह एच आर ए मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस या रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउस रेंट अलाउंस मतलब कि वो किराए पर रहता है और उसके एम्प्लॉयर ने उसके किराए के खर्चे की पूर्ति के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया है अगर आपके क्वेश्चन में एच आर ए नहीं है तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिए गए एम्प्लॉय को रहने के लिए मुफ्त अकोमोडेशन दी गई हो मकान दिया गया हो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है ये कैसा परक्विजिट है जो सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है फ्री में रेंट के बिना रहने के लिए दी गई जगह नंबर टू एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट कि मकान तो दिया है एकोमोडेशन तो दी है पर वो पूरी तरह रेंट फ्री नहीं है रेंट से मुक्त नहीं है थोड़ा सा रेंट देना पड़ता है कंसेशन दिया जा रहा है रेंट में अगर किसी टू बी का फ्लैट अगर किसी एम्प्लॉ को दिया गया है सपोज उससे सिर्फ पाँच हज़ार मात्र रेंट लिया जा रहा है ऐसे टू बी एच के का जिसका मार्केट में सत्रह हज़ार रेंट है तो बेसिकली उसे रेंट में कंसेशन दी जा रही है ये कंसेशन भी परकुजेट ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है इसे हम परकुजेट कहेंगे तो हमने पहला देखा बिना रेंट की अकोमोडेशन और दूसरा देखा रेंट तो है बट देर इज अ कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट नंबर थ्री हमारा एम्प्लॉय की किसी तरह की मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज करी व डिड आई से आई सेट डिस्चार्जिंग द मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई ऐसा कोई खर्चा जो कि करना तो एम्प्लॉय ने था बट उसका वो खर्चे का बीड़ा एम्प्लॉयर ने उठाया एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंच रहा है और ये उसके लिए एक है नंबर फोर एम्प्लॉय की एसएससी की लाइफ का इंश्योरेंस कराने के लिए कोई अगर एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है या किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट uh, में एंटर करने के लिए जिससे हमारे एम्प्लॉय को एनुअली एक अमाउंट मिले एनुअटी मिले मे बी एज अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट और मे बी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड उसको एनुअली एक अमाउंट मिले तो अगर ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है तो वो हमें बेनिफिट पहुंचा रहा है ये हमारे लिए प्रक्यजिट है तो बेसिकली एम्प्लॉय की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है या एम्प्लॉय के बिहाव पर किसी एनुटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है जिसके बदले में फ्यूचर में एम्प्लॉय को ही फ़ायदा पहुंचने वाला है तो यहाँ पे पैसा एम्प्लॉय दे रहा है ये भी एक परकुज़िट है फॉर ऑल एम्प्लॉयीज़ देन बात आती है स्पेसिफिक सिक्योरिटी स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय एट द फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट अगर किसी किस्म का डिबेंचर्स बॉन्ड्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉय को ताज़े ताज़े अलॉट हुए हैं या पुराने कोई ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं बिल्कुल मुफ्त में या बहुत सस्ते रेट पर कंसेशनल रेट पर तो ये भी एक परक्सिट है जो कि सभी एम्प्लॉयज के लिए ट फॉर ऑल एम्प्लॉय देन बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू दाउंट ऑफ एम्प्लॉय बाई द एम्प्लॉयर नंबर वन आई दर टू द रिकनाइज प्रोविडेंट फंड नंबर टू टू एनी स्कीम रेफर टू अंडर सेक्शन ए टी सी सी डी नंबर थ्री टू एन अप्रूव सुपर एनुमशन फंड हमारे एम्प्लॉय के बिहाफ पर हमारे एम्प्लॉयर ने किसी रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है या ए के तहत किसी स्कीम में डाला है या किसी अप्रूव सुपर एनोवेशन फ़ंड में डाला है सुपर एनोवेशन का मतलब होता है जब किसी इंसान की सर्विसेज जो हैं रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसे वो सब आता नहीं उसकी उसकी नॉलेज आउटडेटेड हो गई तो उसे सुपर एनोवेट कर दिया जाता है उसे ऑफिस से सुपर एनमिट करके भेज दिया जाता है इट इज़ नॉट रिटायरमेंट उसकी रिटायरमेंट की एज नहीं आई आई है बस उसकी सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड बिकॉज ऑफ इस आउटडेटेड स्किल्स तो सुपर एनोशन वर्ड का वो मतलब होता है तो अगर कोई सुपर एनोशन फ़ंड है या कोई प्रोविडेंट फंड है या कोई स्कीम है ए सी के तहत तो अगर इसमें एम्प्लॉयर ने पैसा डाला है प्रीवियस ईयर में पिछले साल में जिसका हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं और वो डाला हुआ पैसा साढ़े सात लाख से ज्यादा है इट एक्सीड्स सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो उस केस में जितना ज्यादा है टू दी एक्सटेंट इट एक्सीड साढ़े सात लाख वो एक प्रकोज माना जाएगा फॉर ऑल एम्प्लॉयीज देन बात आती है ये जो साढ़े सात लाख से एक्स्ट्रा पैसा साढ़े सात लाख तक इट इज़ टैक्स फ्री साढ़े सात लाख से जो एक्स्ट्रा पैसा इन तीनों चीज़ों के अंदर डाला गया है ये सामान ऐसे तो नहीं पड़ा रहता इसमें पड़ा हुआ पैसा ग्रो करता है वो बदले में ब्याज दे सकता है डिविडेंड दे सकता है ये किसी और फॉर्म की इनकम दे सकता है तो जो इनकम आती है ये एक तरह की बढ़ोतरी है उसमें होने वाला इंक्रीज़ है तो ये जो एनुअली इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है इन्हीं फंड्स के अंदर तो जो पैसा साढ़े सात लाख से एक्स्ट्रा लगाया गया था उस एक्स्ट्रा वाले पैसे पर आने वाला ब्याज डिविडेंड पिछले साल में या किसी और किस्म की इनकम उस एक्स्ट्रा वाले पैसे पर जो साढ़े सात लाख से ओवर एंड अबव है वो सारे पैसे पर जो बढ़ोतरी हो रही है जो इंटरेस्ट या डिविडेंड आ रहा है वो भी एम्प्लॉय के हाथ में पहुंचने वाला बेनिफिट गिना जाएगा परक्विजिट माना जाएगा और ये भी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए है देन बात आती है वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एम्यूनिटी एज में भी प्रिस्क्राइब और किसी भी किस्म का फ्रिंज बेनिफिट या एम्यूनिटी जो कि हमारी सरकार टाइम टू टाइम अपने गजट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर प्रिस्क्राइब कर सकती है समय समय पर वो भी फ्रिंज बेनिफिट उस केस में कवर कर लिया जाएगा जब सरकार सूचित करेगी हमें बताएगी सभी इम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल उसको भी माना जाएगा नाउ इट्स द टर्न फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ टैक्सीबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ पहले मैं आपको बताऊँगी वो कौन कौन से पर्कजेज़ हैं जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सीबल होते हैं और ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज़ कौन फाइनली होते हैं इसके बारे में ज़रा हम रुक कर बात करेंगे तो हमने बेसिकली कॉलम तो बनाए हैं दो ऑल इम्प्लॉयज़ और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ बट इस हेड के अंदर हम फोकस इन पर करेंगे मैं सिर्फ आपको मतलब बताने के लिए कि सिचुएशन के फ़र्क हो जाने से वो ऑल इम्प्लॉयज़ के लिए माना जाएगा तो आइए एक एक करके देखते हैं सबसे पहले देखते हैं वॉचमैन स्वीपर गार्डनर या पर्सनल अटेंडेंट की सेवाएं। अगर एम्प्लॉयी ने खुद वॉचमैन ढूंढा थुण है खुद स्वीपर अपनी पसंद का माली अपनी पसंद का पर्सनल अटेंडेंट अपनी पसंद का ढूंढा है और उसकी वेजेस अपने एम्प्लॉयर से रिमबर्स करा लेता है पहले ढूंढा खुद है लेकिन वेजिस को रीमबर्स करा लेता है तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा नॉट जस्ट फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ लेकिन ये अगर ये चारों बंदे वॉचमैन स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट ये एम्प्लॉयर ने ही एंगेज किए हैं आपके घर में तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए परक्विजिट गिना जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए देन बात आती है गैस इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर अगर गैस का बिल इलेक्ट्रिसिटी का बिल या पानी का बिल एम्प्लॉय के नाम पर है और एम्प्लॉयर बाद में उसे रीइम्बर्स कर देता है या उसके ब्याह पर गैस की एजेंसी को इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी को या वाटर के हमारे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन को बाम्प्लॉय के ब्याह पे पे कर देता है तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा यहाँ पर बेसिकली खर्चा पहले एम्प्लॉय ही कर रहा है एम्प्लॉयर बाद में रीइम्बर्स कर रहा है या एम्प्लॉय के यहाँ पर एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन बिल पहले एम्पलॉय के ही नाम पर आता है यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टली ये सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा तो ये सभी के लिए टैक्सेबल हैं लेकिन अगर बिल्स एम्प्लॉयर के नाम पर ही चढ़ते हैं गैस का बिल सीधा एम्प्लॉयर के ऑफिस में भेज दिया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल सीधा एम्प्लॉयर के ऑफिस में भेज दिया जाता है सिमिलरली पानी का बिल एम्प्लॉयर के ऑफिस में भेज दिया जाता है एम्प्लॉयर के नाम पर ही निकलता है या ये सेवाएं भी इम्प्लॉयर खुद ही प्रोवाइड करवा कर रहा है कि पानी की सुविधा गैस की सुविधा गैस की पाइपलाइन गैस का सिलेंडर या इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ये एम्प्लॉयर खुद प्रोवाइड कर रहा है सपोज इंद्रप्रद गैस लिमिटेड वाले अपने एम्प्लॉयज़ के घर में अगर गैस की पाइपलाइन लगाते हैं या दानी गैस वाले गैस की पाइपलाइन अपने एम्प्लॉयज़ के घर में लगवाते हैं या भारत गैस वाले अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेंडर ही दे देते हैं तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है क्योंकि सेवाएं डायरेक्टली एम्प्लॉयर की तरफ से आ रही हैं या सेवाएं डायरेक्टली वहाँ से नहीं आ रही बट बिल एम्प्लॉयर के नाम पे ही सीधा जा रहा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए होगा लेकिन अगर बिल पहले एम्प्लॉ के नाम पर आता है एम्प्लॉय ने ही सेवाएँ अपनी पसंद की चुनी हैं और बाद में एम्प्लॉय से रीमबर्ज कराता है तो वो सभी इंप्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा देन बात आती है एजुकेशन फैसिलिटीज़ की कि अगर एम्प्लॉय अपने बच्चों की फ़ीस पहले खुद देता है और फिर बाद में जाकर एम्प्लॉयर से रीनबर्स कराता है या एम्प्लॉय के बिहाव पर एम्प्लॉयर्स फीस दे देता है ये ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा लेकिन अगर एम्प्लॉय के बच्चे शुरू से ही एम्प्लॉयर के मेनटेन स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सीबल होगा यहाँ से डायरेक्ट सेवाएँ एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पहुँच रही हैं एम्प्लॉयर के ही स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं मोटर कार अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है तो ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज टैक्सेबल होगा लेकिन अगर गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की है और उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे टूट फूट के खर्चे और पेट्रोल के खर्चे वो रीमबर्स करवा लेता है एम्प्लॉयर से देन इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ बात आती है प्राइवेट जर्नी टू एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिस हाउस होल्ड अगर कोई प्राइवेट जर्नी कोई पर्सनल जर्नी कोई एम्प्लॉय या उसका घर का कोई सदस्य कर रहा है एम्प्लॉय पहले खर्चा करता है बाद में एम्प्लॉयर से रीमबर्स करा लेता है तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा लेकिन अगर ये बिल्कुल मुफ्त दामों पे ये जर्नी का खर्चा शुरू से ही एम्प्लॉयर ने उठाया है या कंसेशन रेट पे एम्प्लॉयर ने ही प्रोवाइड किया है उस केस में ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होगा सपोज एयर इंडिया वाले या विस्तारा एयरलाइंस वाले अपने ही एम्प्लॉयज़ को फ्री एयर एयर प्लेन की जर्नी प्रोवाइड कर रहे हैं देन इट इज़ फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ या अगर एम्प्लॉयर तो कोई और है सपोज पी डब्ल्यू सी कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ अगर विस्तारा एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं पर्सनल जर्नी के लिए और एम्प्लॉयर से रीमबर्स कराते हैं देन इट इज़ टैक्सीबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट और कोई सा भी बेनिफिट या इम्यूनिटी जो ऊपर बताई गई कैटेगरीज़ में कवर नहीं हुए हैं इन सब में कवर अगर नहीं हुए हैं कोई सा भी बेनिफिट और इम्यूनिटी अगर रह गया है तो उसके लिए फंडामेंटल रूल यही है कि अगर एम्प्लॉय पहले खुद देता है और बाद में एम्प्लॉय से रीमबर्स कराता है देन इट इज़ फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ लेकिन अगर ये फ़ायदा सीधा ही सुविधाएं सीधा ही एम्प्लॉयर से ही आ रही हैं डायरेक्टली तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा सो नाओ नाउ हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि या तो किसी कंपनी का डायरेक्टर है या उसका कंपनी में सब्सटैशियल इंटरेस्ट है सब्सटैंशल इंटरेस्ट का मतलब है दैट ही होल्ड्स मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ वोटिंग पावर उसके पास उस कंपनी की बीस प्रतिशत से ज़्यादा वोटिंग पावर है या नंबर थ्री वो ऐसी जगह जॉब करता है कि जो वो साल की कुल सैलरी कमाता है वो उसका टोटल फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा है अगर इन तीनों में से कोई एक भी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करता है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा डिड आई से आई सेड ही इज़ आई दर अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही इज़ होल्डिंग सब्सटांशल इंटरेस्ट ऑफ़ द कंपनी या वो डायरेक्टर है या कंपनी में उसका सब्सटांशियल इंटरेस्ट है कि उसके पास बीस प्रतिशत से ज़्यादा वोटिंग पावर है या वो जो जॉब करता है जो सैलरी कमाता है उसकी टोटल सैलरी साल की फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा है और ऐसा यूजली सभी केसेस में होता है कि सबकी साल की सैलरी फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा ही होती है तो ये जो बाइफर्केशन है स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के बीच में ये एक तरह से मीनिंगलेस ही रह जाता है बट स्टिल ये बाइफर्केशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है तो हमें पता होना चाहिए तो अगर उस इंसान की सैलरी फ्रॉम लाइक uh, like, सैलरी उसकी टोटल सैलरी प्रीवियस ईयर में फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा है तो वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा जब आप ये फिफ्टी थाउजेंड की सैलरी का टोटल चेक करेंगे कि क्या उसकी साल की सैलरी फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा है या फिफ्टी थाउजेंड है या फिफ्टी थाउजेंड से कम है तो आपको वो चेक करते वक्त ना उसकी सिर्फ सैलरी लेनी है बल्कि सैलरी प्लस डी ए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस सारे अलाउंसेस सारे मोनिट्री टैक्सीबल प्रक्यूज वो परक्यूज जो टैक्सीबल भी हों और मॉनिटरी भी हों नॉन मोनिट्री परक्यूज आप नहीं लेंगे अगर इन सबको जोड़ने के बाद उसकी साल की टोटल सैलरी पचास हजार से ज़्यादा है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा अगर पचास हजार भी है तो वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉ होगा लेकिन मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट केसेस में सारे एम्प्लॉज़ स्पेसिफाइड एम्प्लॉज ही कहलाएंगे कोई भी क्योंकि सभी की सैलरी फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा हर हाल में निकल ही आएगी लगभग फॉर एवरी वन लेट्स बिगिन टैक्स फ्री परकजेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऐसे परकजेज जो कि टैक्स फ्री हैं सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे पहला परकजिट है मेडिकल फैसिलिटी सो द फर्स्ट वन इज मेडिकल फैसिलिटी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी जो कि एक एम्प्लॉय को या उसके घर के किसी सदस्य को परिवार के किसी सदस्य को एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन किए गए हॉस्पिटल डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में मेडिकल सुविधा दी जाती है तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री है कम्प्लीटली रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अगर रिक्रिएशन की सुविधाएं सभी एम्प्लॉयज़ के झुंड को कि ग्रुप को कॉमनली सबको दी जाती हैं तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री पर्कज है ऐसा खर्चा जो कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए किया है चाहे उनकी कोई कोर्स की फीस दी है कोई रिफ्रेशर कोर्स एम्प्लॉयज़ ने अटेंड किया है अगर ऐसा खर्चा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए दिया है तो वो सभी के लिए टैक्स फ्री है किसी हेल्थ क्लब किसी स्पोर्ट्स क्लब या सिमिलर मिलती जुलती सुविधाओं के लिए किया गया खर्चा एम्प्लॉय द्वारा सभी के लिए टैक्स फ्री है प्रोवाइडेड ये यूनिफॉर्मली सबके लिए एक जैसा किया जा रहा है ये नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के लिए हो रहा है बट मैनेजर असिस्टेंट एसोसिएट मैनेजर के लिए नहीं हो रहा है ऐसा मैंने नहीं कहा मैंने कहा सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक जैसा खर्चा हो रहा है बात आती है एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहा है टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन पर खर्चा ये भी सभी के लिए टैक्स फ्री है एक ऐसा प्रकज जो कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि साढ़े सात लाख से ज़्यादा पैसा अगर एक एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या किसी ऐसी स्कीम में जो कि ए के तहत कवर होती है या अप्रूव सुपर अन्योवेशन फंड में डालता है अभी मैंने आपको कुछ ही मिनटों पहले इसी वीडियो में बताया है साढ़े लाख से ज़्यादा डालता है तो टैक्सेबल होगा साढ़े सात लाख तक डालता है तो सभी के लिए टैक्स फ्री है अगर हमारे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर कोई एक्सीडेंट पॉलिसी ली है उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है वो भी एक टैक्स फ्री पर होगा सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अमाउंट गिवन बाय द एम्प्लॉय ऑफ एस एस सी टू एस एस सीज चाइल्ड एज स्कॉलरशिप इज एग्जैम्ड अगर एस एस सी के बच्चे के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिया जाता है पैसा तो वो सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री होगा फूड एंड बेवरेज़ की अगर हम बात करते हैं the following shall be a tax recurred in the hands of employees all employees free food non-alcoholic beverages provided by the employer to his employee during the working hours

दौरान दिया जाता है ऑफिस में दिया जाता है बिजनेस प्रोमाइस के अंदर बांटा जाता है या बांटा कुछ नहीं गया बल्कि पेड़ दिए गए हैं कि आप जाके फलाने रेस्टोरेंट से फलानी जगह से बर्गर किंग से फलाने मैकडोनल्ड से बर्गर खा लीजिए तो फिफ्टी रुपीज तक जितना होता है उतना टैक्स फ्री है अगर फिफ्टी रुपीज कर जाता है सपोज अस्सी रुपए मिलता है वाउचर तो तीस रुपए टैक्सीबल होगा या किसी भी तरह का चाय या स्नैक्स अगर वर्किंग आवर्स के दौरान मिलते हैं तो ये सभी के लिए टैक्स फ्री परकजिड है बात आती है फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की जो कि वर्किंग आवर्स के दौरान ही दिए जाते हैं लेकिन किसी रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में दिए जाते हैं तो भी ये एक टैक्स फ्री परकजिड है फॉर ऑल दी एम्प्लॉयज़ तो फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफिस के अंदर बांटा जाता है पचास रुपये तक का होता है या किसी वाउचर के फॉर्म में होता है पचास रुपये तक का होता है तो भी वो टैक्स फ्री है अगर सिर्फ चाय समोसे की बात हो रही है चाय और स्नैक्स की बात हो रही है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स तो वो भी टैक्स फ्री है और अगर बात हो रही है किसी रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में मिले गए फ्री फूड और नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस की चाहे फिर उसकी वैल्यू पचास रुपये से ज़्यादा हो सिंस ये रिमोट एरिया में मिल रहा है तो ये भी टैक्स फ्री है बात आती है लोन टू एम्प्लॉयज देखिए एम्प्लॉयज के पास ऑप्शन है कि वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं लेकिन हाँ अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हैं इन द फॉलोइंग केसेस द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एस एस सी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इंटरेस्ट फ्री कंसेशन लोन शे बी नील जो उसको ब्याज के मुक्त वाला बिना ब्याज का जो लोन मिल रहा है या ब्याज तो देना पड़ रहा है बहुत बहुत सस्ती रेट पर बहुत कम रेट पर देना पड़ रहा है तो ऐसे लोन की हम प्रक्यूजिट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो लेंगे टैक्स फ्री लेंगे फॉर ऑल अगर लोन बहुत छोटा है जहाँ पे वेर द अमाउंट ऑफ द लोन सर वेरी पटी नॉट एक्सीडिंग ट्वेंटी थाउजेंड सिर्फ बीस हज़ार रुपये रुपये तक का लोन है तो अगर सस्ती रेट पर या बिना ब्याज के मिला है तो आप इसको टैक्स की परक्यज मानेंगे और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लोन्स मेड अवेलेबल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीजेज स्पेसिफाइड इन द रूल थ्री ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स अगर आपके सामने कोई डिजीज आ जाती है और बताया जाता है कि इसके इलाज के लिए इस एम्प्लॉय को लोन मिला है तो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में ये भी बताया जाएगा कि ये रूल थ्री ए के अंडर कवर होता है कि नहीं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले या कोई सी भी यूनिवर्सिटी वाले आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि आप उस रूल थ्री ए के अंदर दी गई बीमारियों को डिजीजेस को याद करें ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रूल थ्री ए के अंडर जो डिजीज़ कवर होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन मिलता है तो चाहे कितने भी अमाउंट का लोन हो चाहे बीस से कितना भी बड़ा हो लेकिन अगर उन बीमारियों के इलाज के लिए एम्प्लॉय को लोन मिल रहा है तो वो प्रॉपरली टैक्स फ्री परक्विजिट होगा उस उस पर जो ब्याज बनता है वो उसकी इनकम हम नहीं गिनेगी जो उसको ब्याज देना नहीं पड़ रहा है बैंक से लेता तो देना पड़ता परक्विजिट्स प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया ऐसे परक्विजिट जो कि हमारे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए हैं जो कि इंडिया से बाहर अपनी सेवाएं प्रदान करने गए हैं ये प्रॉपर्ली टैक्स फ्री है उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रेंट फ्री हाउस या कन्वेंस फैसिलिटी बिना रेंट का मकान या कन्वेंस फैसिलिटी जो कि हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है ये एक टैक्स फ्री परकोजिट है सभी के लिए उन सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए बात आती है पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स की अगर पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स को रेंट फ्री फर्निश्ड मकान उसकी मेंटेनेंस के साथ शामिल करते हुए अगर पूरा मकान मिल रहा है पार्लियामेंट के किसी अफसर को यूनियन मिनिस्टर को ओपोजिशन पार्टी के लीडर को ये एक टैक्सीबल परकजिट नहीं है ये प्रॉपर्ली फुली टैक्स फ्री परकोजिट है एकोमोडेशन इन अ रिमोट एरिया अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करा है एट माइनिंग साइट जहाँ खुदाई हो रही है माइनिंग करी जा रही है कोयला निकाला जा रहा है इस तरह से कुछ और निकाला जा रहा है ये ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है धरती के अंदर से या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी किस्म का तो इतनी दूर रिमोट एरिया में जाकर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को आ, रहने की जगह दी है या कोई डैम साइट है या पावर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ऑफ साइट है और ये जो मकान रहने का दिया ये कच्चे तरह का मकान है टेम्प्रेरी नेचर का है और इसका प्लेंथ एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है और इस लोकेटेड नॉट लेस देन एट किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसपालिटी ये मिनिमम आठ किलोमीटर के दूरी पर है किसी भी जो हमारे नॉन म्यूनसिपैलिटी एरियाज़ होते हैं उनसे मिनिमम आठ किलोमीटर की दूरी पर है आठ किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है दूरी आठ किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी जगह एक एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती इन कामों के लिए भेज दिया गया है तो ये दिए गए मकान की जो सुविधा है ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी देन बात आती है एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ़ द एम्प्लॉय अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्कूल है जो कॉलेज है जो इंस्टीट्यूट है वो एम्प्लॉयर का खुद का मेंटेन किया हुआ है वहाँ फ्री एजुकेशन बांटी जा रही है एम्प्लॉय अपने सभी एम्प्लॉज के बच्चों के लिए और वेयर सच फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन बाय रीज़न ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ दैट एम्प्लॉयर सपोज कोई स्कूल पकड़ लिया गया लाइक जीडी डी गोयंका में सभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बच्चे पढ़ेंगे तो सिर्फ उस स्कूल में पढ़ने का रीज़न यही है कि वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ही एम्प्लॉई है तो अगर इस कारण से उस स्कूल में उसको फ्री एजुकेशन मिल रही है वो स्कूल एम्प्लॉयर का मेंटेन नहीं है बट वहाँ पे पढ़ने का रीजन यही है कि वो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहा है देन दैट विल बी अ टैक्स फ्री परकजेड इफ़ द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड वन पर मंथ अगर तो जो उस बच्चे को मिलने वाली एजुकेशन का जो कीमत है जो कॉस्ट है वो एक हजार पर मंथ से ज्यादा नहीं है तो वो टैक्स फ्री अगर ज्यादा है तो वो टैक्सीबल है तो ये बहुत ही एक बहुत ही एक छोटा फिगर इन्होंने दिया है आजकल की डेट में स्कूल्स की पर मंथ फीस बहुत ज्यादा होती है वन थाउजेंड के कंपैरिजन में मच मच मोर देन दिस सो uh, so, ये फिगर बहुत छोटा है उस हिसाब से ये टैक्स फ्री परकोज़िट हार्डली ही किसी के लिए काउंट होता होगा बट येस yes, अगर ये जो रूल मैंने आपको बताया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का ही द्वारा मेंटेन किया गया है या किसी ऐसी जगह एम्प्लॉई का चिल्ड्रेन uh, पढ़ रहे हैं जहां पर फीस वन थाउजेंड पर मंथ से ज़्यादा नहीं है कॉस्ट ऑफ़ एजुकेशन उससे ज़्यादा नहीं है तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री परकोज़िट होगी देन बात आती है यूज बाय द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ इस हाउस होल्ड ऑफ द लैपटॉप्स कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर और हाइड बाय हिम हमारा एम्प्लॉई या एम्प्लॉई के घर का कोई सदस्य एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है तो माना जाता है लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल एकेडमिक पर्पसेस के लिए हमारे देश की बेहतरीन बनाने के लिए ही किया जा रहा है तो ये भी एक टैक्स पर्पज है एल टी सी लीव ट्रेवल कंसेशन इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो करेंगे क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक बनता है पूरा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कब टैक्स फ्री होता है एंड द लास्ट वन इज टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिट्री परकेजिज अगर हमारा एम्प्लॉयर किसी भी किस्म की नॉन मॉनिट्री परकेजिज पे टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो हमारे एम्प्लॉय के हंड में टैक्स फ्री होगा कम्प्लीटली दैट्स एक चीज़ मैं आपको रिकैप करके बता देना चाहती हूँ एजुकेशन फैसिलिटी अगर हम मैं बताती हूँ कि एम्प्लॉई के बच्चे एम्प्लॉयर के ही स्कूल में पढ़ते हैं दैन इट इज़ टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई यहाँ पे सिर्फ तब कवर होता है जब उस एजुकेशन फैसिलिटी की कीमत पर मंथ वन थाउजेंड से ज़्यादा नहीं है तब वो टैक्स फ्री है अगर वन थाउजेंड से ज़्यादा है तो वो टैक्सीबल होगा फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई कि अगर इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा ही चलाया हुआ इंस्टीट्यूशन है और अगर एम्प्लॉय के द्वारा चलाया गया इंस्टीट्यूशन ही बल्कि एम्प्लॉय के बच्चे कहीं और किसी स्कूल में जाते हैं और उनकी फ़ीस एम्प्लॉयर री करता है तो वो फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टैक्सेबल होता है बट टैक्स फ्री सिर्फ तब होगा जब एक हज़ार पर मंथ से ज़्यादा उस एजुकेशन की कीमत नहीं है सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई नो दिस वीडियो वॉज वेरी लेंथी बट इग्नोरिंग दिस वीडियो वॉज क्विविल टू इग्नोरिंग स्पॉयलिंग योर आंसर ऑफ सैलरी तो सैलरी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सभी perquisites और सभी अलाउंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी तो अब ये मैंने आपको थियोरिटिकल जानकारी दी है अब कुछ ऐसे स्पेशल परकजेस हैं जिनकी वैल्युएशन आपको सिखाई जाएगी जैसे कि मोटर कार जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन एल तो इन सब की वैल्यूशन आगे आने वाली वीडियोस में बताई जाएंगी और बहुत सी छोटी छोटी कैलकुलेशन सिखाई जाएंगी सो डू नॉट मिस आउट एनी वीडियो कीप वाचिंग स्टे कनेक्टेड बाय फॉर नाउ